नमस्कार, मैं भावना सिंह और आप देख रहे हैं HBN न्यूज। वक्त हो गया है कुछ खास खबरों के बारे में जानने का। मधेपुरा जिले के चौसा प्रखंड में 29 दिसंबर को कई राशन डीलरों के खिलाफ ग्रामीण लोगों ने प्रदर्शन किया। चौसा BDO पदाधिकारी रीना कुमारी ने बताया कि हम मामले की जांच करेंगे और डीलरों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि SDO से बात हुई है, नवंबर और दिसंबर का अनाज नहीं मिला है तो मिलेगा, 1 जनवरी तक वितरण कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, लोगों का कहना है कि नवंबर और दिसंबर का अनाज नहीं मिला है और अनाज के लिए जाते हैं तो उन्हें भगा दिया जाता है। अभी हम SDO सर से बात किए हैं, आपको जनवरी के 1st वीक में जो है दोनों महीना का अनाज मिलेगा। सर से बात हुई है मेरी, दिसंबर का अभी जो है नहीं वितरण हुआ है, होगा जनवरी के 1st वीक। ठीक है, आप लोग अभी जो है वारिसनगर थाना मोहद्दीपुर पंचायत में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। मौके पर अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी और CI मौजूद रहे। वहीं ग्रामीणों से बात करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि अतिक्रमण हटाने का नोटिस पहले आ चुका था, उसी के आधार पर पुलिस अधिकारी, अंचल अधिकारी और पुलिस बल के साथ आए और अतिक्रमण को हटाया गया। आपको बता दें, अतिक्रमण हटाने में कुछ घरों को तोड़ा गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सुबोध ठाकुर, जो JDU पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनके घर को छोड़ दिया गया है। आगे ग्रामीणों का कहना है कि वे बड़े अंचल अधिकारी के पास जाएंगे। क्या हुआ? उल्ट करके हुआ है, हमारा ससुर गया था, वो कब गए वारिस का, वहाँ बोला जो टूटेगा तो दोनों तरफ टूटेगा, नहीं टूटेगा तो किसी को नहीं, तो यहाँ तक खाली गरीब को टूटे है, मुड़गढ़ हाथ के कहाँ टूटी। आपका टूटा है इसमें? जी सर। किस चीज का मकान था? ईटा का घर था। आपको वो रुकने के लिए नहीं बोला गया था? आप लोग नहीं बोले थे सर? रुके थे, क्या बोले थे? तोड़ दिया गया। जी, आप लोग रिक्वेस्ट किए, निवेदन किए थे, आग्रह किए थे कि नहीं तोड़िए? हम कहे थे इनको नहीं तोड़िए, कल हम हटा लेंगे, फिर भी नहीं माने। नहीं माने, आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। चाहते हैं सर, क्या करेंगे हम लोग के घर का जगह नहीं। अतिक्रमण का नोटिस पूर्व में आया था, उसी के क्रियान्वयन के लिए पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी पुलिस बल के साथ आए थे और अतिक्रमण खाली, और जो अतिक्रमण का पिटीशन था वो मोहिद्दीनपुर हनुमान मंदिर से लेके मुरारी मंडल के घर तक था, और उसी का नापी हुआ था, उसी में अतिक्रमणकारी को नोटिस हुआ था, और आज जब अतिक्रमण खाली हुआ तो मुरारी महतो के घर से अतिक्रमण को खाली करना प्रारंभ किया गया, सभी लोगों का घर तोड़ा गया, यहाँ तक महादलित का मकान तोड़ दिया गया, महादलित का बखारी तोड़ दिया गया, बेघर कर दिया गया। लेकिन हनुमान मंदिर के निकट आकर एक सुबोध ठाकुर हैं, JDU के नेता हैं, JDU में उनकी अच्छी पैठ है, उनसे प्रभावित होके और स्थानीय JDU के नेता के फोन पर CO साहब अतिक्रमण खाली कराने का कार्य उनके मकान के एक छोर पे जाके, दक्षिणवाड़ी छोर पे जाके छोड़ दिए। यहाँ के जनता के लाख निवेदन के बाद भी वह आगे अतिक्रमण खाली नहीं किए, जबकि अतिक्रमण जिस समय नापी हुआ था या अतिक्रमण का नोटिस आया था तो वो हनुमान मंदिर पर था, लेकिन 100 फीट पहले छोड़ दिया गया। पॉलिटिकल प्रेशर में अंचलाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी काम किए हैं, यह निष्पक्ष नहीं है, यह स्वच्छ प्रशासन के लिए सही नहीं है, हम लोग इसका विरोध करते हैं और वरीय पदाधिकारी तक हम इसका शिकायत करेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित इटौरा के भगवान परशुराम आश्रम में पहुंचे संत सनकादिक महाराज।
रीवा इटौरा बाईपास में बने परशुराम आश्रम को प्रशासनिक अमला के द्वारा गिराया गया, जिसमें महाराज ने कहा कि जल्द ही आश्रम का पुनर्निर्माण होगा। जिस तरह से आश्रम को ढहाया गया है वह निंदनीय कार्य है। मंदिरों को गिराने वाले 200 वर्ष पहले जा चुके हैं। उन्होंने कहा यह भूमि शासन की है और रजिस्ट्री मंदिर के नाम से है। बच्चा, ये कार्रवाई जो ही है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राम जी की इच्छा से जहाँ से मंदिर बनते हैं, मूर्तियाँ जहाँ से भगवान बनती हैं, उस यज्ञ मंडप को ही तोड़ दिया गया। जिसको जो मूर्ति को भगवान बनाता है, राम जी की इच्छा से पुजारी का निवास स्थान ही खत्म कर दिया गया है। ये तो और बड़ा अपराध हो गया कि मंदिर है, मंदिर को में रहने वाले पुजारी नहीं, मंदिर भगवान राग भगवान के भगवान के लिए कोई रसोई नहीं, राम जी की इच्छा से। ये तो बहुत और बड़ा अपराध हो गया। राम जी की इच्छा से करना ही था इनको, तो सब कुछ खत्म करते। ये तो भगवान का और अपमान कर रहे हैं कि जो राम जी सीताराम वहाँ यज्ञ मंडप रह गया, रसोई घर रह गया, न राम जी से पुजारी का निवास स्थान रह गया। इकलौता एक राम जी की आश्रम ये रीवा में परशुराम आश्रम था, जहाँ इस मार्ग से निकलने वाले साधु महात्मा बुलट टूटे लोग राम जी आके आश्रय प्राप्त करते थे, छाया प्राप्त करते थे और उनको रोटी पानी की व्यवस्था होती थी। राम जी की इच्छा से जो महात्मा यहाँ से निकल के कई बार आश्रय लिए, वो आएंगे देखेंगे तो उनको कैसा महसूस होगा। ये केवल केवल राम जी से आश्रम की नहीं, पूरे नगर की ये राम जी से अपमान का बात। ये प्रशासनिक कार्रवाई मानते हैं फिर राजनीतिक है? अब इसमें जो सामने तो प्रशासन आया है और प्रशासन को किसी ने कहा होगा, तो ये प्रशासनिक भी हो या राम सरकार की हो या जैसे हो, ये निंदनीय है। मंदिरों के नाम पे कब्जे को लेकर कई जगह ऐसे बातें उठती रहती है कि मंदिर के नाम पे कब्जे होते हैं। हाँ हाँ, मगर जो लोग ऐसा कहे हैं उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स हमारे आके देख रहे हैं राम जी की इच्छा से, उसमें हमारे नाम महंत राम दुलारी दास जी ने रजिस्ट्री की है, उसका नामांतरण हुआ है, उसका राम जी डाइवर्सन हुआ है, उसका नक्शा पास हुआ है और हमने जब उसका रजिस्ट्री कराई है उसमें राम जी के 58 और 59 की खतौनी में राम जी की खसरा में महंत जी के नाम उसका कायस्त के नाम महंत जी की ज़मीन है, उसको महंत जी ने हमारे को दिया, रजिस्ट्री करके दिया कि भविष्य में कोई कैसे कोई राम जी इसमें ये ना हो कि भाई इन्होंने गलत कर लिया कैसा कर लिया। इसके लिए अब वो कहने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। महाराज जी अब आए हुए हैं, अब क्या चाहते हैं आप यहाँ पे? अब हम यही चाहते हैं कि जो लोग इसके दोषी हैं उनको दंड मिले और राम जी की इच्छा से आए या भगवान से क्षमा मांगे और राम जी किसी से क्षमा मांग के राम जी उसका प्रायश्चित करें, यही हम चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि हम भव्य परशुराम आश्रम फिर से बनना चाहिए? देखो बच्चा, वो तो बनेगा, उसको कोई थोड़ी रोक सकता है। भगवान का मंदिर बनने को कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे कितने आए कितने चले गए राम जी की से भगवान के मंदिर, तो अब बनना चालू है, तोड़ने वाले तो 200 साल पहले चले गए। ये उन्हीं में से कोई आया होगा जो राबास की भी रह गया होगा, ये भी चला जाएगा। इस पूरी कार्रवाई में दोषी किसे मानते हैं आप? बच्चा, दोषी तो जो सामने आया उसी को दोषी मानते हैं, या उसके पीछे जो होगा वो दोषी होगा क्या? पुनर्निर्माण के लिए आपकी रूपरेखा क्या है बच्चा? रूपरेखा तो दिव्य और भव्य आश्रम बनेगा। आज यहाँ ये देखा जा रहा है कि अब प्रशासन किनारे हो गया और राजनीतिक दल के लोग आमने सामने टकरा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। देखो बच्चा, हम सब साधु हैं, हम किसी राजनीतिक दल से हमारा कोई संबंध नहीं है। राम जी की इच्छा से हम साधु हैं, हमारा साधु शाही राम जी रहना सहना, साधु शाही खाना पीना और साधु शाही हमारा विरोध है। राम जी से किसी पार्टी से किसी पॉलिटिक्स से नहीं। हाँ, इसमें जो दोषी होगा उसको दंड राम जी से भगवान देंगे और समाज देगा। सावरकंठा
बांसवाड़ा जिले के बिजानगर तहसील के चितरिया गांव का जादव प्रताप ने अमरदीप विद्यालय की आरटीआई से मांग की थी, लेकिन उनके मुताबिक महती पूरी नहीं है। देखिए हमारी रिपोर्ट। साबरकंठा जिले के विजयनगर तहसील के चितरिया गांव का जादव प्रताप ने अमरदीप विद्यालय की आरटीआई से मांग की थी, लेकिन उनके मुताबिक महती पूरी नहीं है और उनका कहना है कि मुझे गुमराह किया जा रहा है। एचबीएन न्यूज की खास रिपोर्ट। जादव प्रताप है बाबू जी। सर, आज ये जो डाक में से टपाल आई है वो किस बारे में है और आपने क्या मांगा था और क्या मिला आपको? सर, जो ये जो आज जो टपाल आई है वो मैंने 1/1/2020 को जो आरटीआई एक्ट हेठ 2005 की जो माहिती मंगवाई जाती है, इस तरीके से मैंने कायदा के कानून अनुसार माहिती मंगवाई है, तो वो जो माहिती थी तो उन्होंने दी नहीं और लेटर पेड में कुछ लिख के दे दिया कि ये कानून नहीं, जगह में नहीं आता, ये व्याख्या में नहीं आता, ये सब कुछ देख कर गुना करके लेटर भेज दिया मुझे। फिर उसके बाद मैंने 11/2020 को प्रथम अपील दाखिल की जो डीओ कचहरी में, उसके बाद वहाँ से भी हियरिंग हुआ तो उसमें वहाँ से हुक्म किया जो प्रथम सत्ता अधिकारी है वो, उन्होंने हुक्म किया तो उनको हुक्म का भी अनादर किया कि 7 दिन में माहिती मतलब पूरा कर देना की नहीं, और अनादर किया। उसके बाद मैंने सेकंड अपील दाखिल की जो गुजरात माहिती आयोग में होता है वो, और वो कि उसके बारे उसके बाद मैंने बहुत सारी टपाल की, उन्होंने सब मुझे लेटर में ऐसा ही लिख के देते थे जो उनका स्कूल का जो लेटर पर होता है उसमें कि ये वाक्य में नहीं आता, ये आप नहीं मांग सकते, ये अंगत माहिती है, ऐसा सब कुछ बोल के मुझे गुमराह कर रहे थे। फिर मैंने वापस टपाल की 27/11/2020 को आयोग को, मैंने जनाया कि मुझे माहिती मिली नहीं है और ये बोलते हैं कि मिल गई है, दे दी मैंने माहिती, तो टपाल की उसके अनुसंधान में जो प्रथम सत्ता अधिकारी है उन्होंने फिर वापस हुक्म किया कि आप माहिती प्रोवाइड कर दो। और जब मैं हियरिंग था तब डीओ कचहरी में जो एसके व्यास सर है वो और जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो, उन दोनों के समक्ष मैंने ये भी बताया था कि जो टपाल में कुछ भेज के मतलब कोरे कागज भेज देते, रद्दी कागज भेज देते, तो मैंने बताया था कि मुझे कोई भी माहिती दी जाए तो कोई अधिकारी या तो प्रथम सत्ता अधिकारी के चैम्बर में मुझे दी जाए कि किसी वजह से मुझे अन्याय नहीं हो जाए। पर उन्होंने क्या किया वापस कि ये आज टपल मैंने छुड़वाई उसमें यही किया कि अधूरी और अपूर्ति अप्रमाणित, मतलब वो जो सिक्का होता है सील होता है जो डिपार्टमेंट का, वो सिक्का भी नहीं है, कुछ नहीं है, और मुझे गुमराह कर दिया है और मुझे बहुत परेशान कर दिया, मेरे पैसे की भी बहुत खर्च कर दिए उन लोगों ने, और अधूरी माहिती अप्रमाणित मुझे गुमराह कर दी, ऐसी माहिती मुझे भेज दी उन लोगों ने, और नकल दवाना कर दिया है कि डीओ कचहरी प्रथम सत्ता अधिकारी और गुजरात माहिती आयोग में ये लिख के दे दिया कि माहिती दे दी है, पर मैंने टपाल में देखा तो कुछ नहीं, उसमें अप्रमाणित है, अप्रमाणित और अपूर्ति गुमराह करती माहिती है सब में, और मेरी साइन टपाल में जो पोस्ट मास्टर है उसके द्वारा माहिती दे दी, ऐसी समझ के मेरी साइन ले दी। जी सर, ये माहिती आपने कितनी बार मांगी और कहाँ से मांगी थी सर? ये सर जो है हमारे यहाँ पे चितरिया अमरदीप विद्यालय स्कूल है उसके उसके आधार के पास मैंने मांगी थी और 1/1/2020 को मांगी थी मैंने। जी सर, यह माहिती जो मिली है तो आपने सबके सामने खोला है, उसमें कोई साइन सिक्का वगैरह कुछ किया हुआ है, प्रामाणिक है और प्रामाणिक है कैसा ही बताओ सर? इसमें जो माहिती जो भेजी हुई है सब वो जेरोक्स की है, जो फोटो कॉपी की हुई है, उसमें कुछ साइन भी नहीं है, कुछ नहीं है। सर्टिफाइड है या सिंपल है? सिंपल है सर, नो सर्टिफाइड, नो सर्टिफाइड नहीं है, रद्दी कागज ही माना जाता है ना वो जो कॉपी फोटो होता है तो। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, और ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एचबीएन न्यूज। अलीगढ़ का नंबर 1 बैटरी सर्विस हिंद बैटरी सर्विस, प्रशांत कुमार की अलीगढ़ की जानी मानी बैटरी सेवर प्रदत्त कंपनी बन चुकी है। ग्राहकों की प्राथमिकता की सहूलियत देखते हुए सदैव डिफेक्ट बैटरी को अपने काउंटर से ही रिप्लेस करते हैं। सभी तरह की कंपनियों की बैटरियों का एकमात्र विश्वसनीय मल्टी ब्रांड शोरूम हिंद बैटरी सर्विस।
क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।